उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनेंस निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। इस अन्नोत्सव अभियान में निःशुल्क राशन वितरण कर गरीबों के लिए प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने की कवायद कर रही है। सीएम धामी ने अन्नोत्सव योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रतीक के रूप में 5 महिलाओं को राशन वितरित किया। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को 10 किलो राशन मिलेगा। कि उन्होंने पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों के लिए भरपेट भोजन की जो व्यवस्था की है, कोरोना महामारी में भी किसी को बिना भोजन के न रहना पड़े, हर किसी को भोजन मिले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। आज हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तराखंड के अंदर उस योजना का ये प्रारंभ किया है, जिसमें हम 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट राशन देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उत्तराखंड के 2022 में कांग्रेस अपना परचम फिर से लहराएगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी को चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जिस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ना है वह बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है, लिहाजा कांग्रेस को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है और इस समय कांग्रेस कोई ऐसी बात ना करे जिससे कांग्रेस में आपसी मतभेद पैदा हो। हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और सब एक ही चीज़ हमको करनी है कि हम ये मान के चलें कि हम लोग सब एक परिवार के हैं, कांग्रेस का एक परिवार है और एक परिवार के समान हमको ये चुनाव लड़ना है और हम चुनाव ऐसे लड़ेंगे तो जीतेंगे। पौड़ी के लिए दुखद बड़ी खबर है सियाचिन से सामने आई है, जहां सियाचिन में तैनात 57 साल के इंजीनियर के जवान विपिन सिंह गुसाई सियाचिन में अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए। विपिन अभी महज 24 साल के थे जो कि सियाचिन में अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए। पौड़ी जिले के विकासखंड पाबो के धारकोट गांव में एक जवान शहीद हुए हैं और यह हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। पूरे प्रदेश में इसी वजह से शोक लहर है और मैं जो हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार वालों को संयम रहे और हिम्मत दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आज मन बहुत दुखी है। आज विपिन सिंह गुसाई जो कि धारकोट पाबो श्रीनगर विधानसभा के जनपद पौड़ी के निवासी थे, आज उस सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करें, साथ ही साथ दिवंगत आत्मा हमारे जो जवान है विपिन सिंह गुसाई जी को, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। NSUI द्वारा डोईवाला से शहीद दुर्गामल्ल महाविद्यालय में पिछले 2 सालों से लंबित परीक्षा परिणाम के घोषित न किए जाने पर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर महाविद्यालय के प्राचार्य विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया। छात्राओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्राओं का शोषण करना बंद।
आज जो हमने पुतला दहन किया है वो हमारे कॉलेज प्रिंसिपल प्राचार्य का है और HNB यूनिवर्सिटी का है। बहुत दो दो साल हो गए छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षाएं दी हैं, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। हम कॉलेज में बच्चे आते हैं, हम भी आते हैं कॉलेज में, हम हर बार कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख दो, एक लेटर लिख दो, हम हर बार लिखते हैं, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेटर भेज रहे हैं, परंतु अभी तक दो साल हो गए, किसी किसी बच्चों को तीन तीन चार चार साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, ना कॉलेज हम बच्चों की सुन रहा है, ना ही HNB यूनिवर्सिटी हमारी बच्चों की सुन रही है, ना हम किसी परीक्षा में बैठने लायक हैं, ना हम किसी को किसी विभाग का फॉर्म भर सकते हैं और ना ही छात्र आगे एडमिशन ले सकते हैं। तो इन्होंने दो दो तीन तीन साल से अभी तक रिजल्ट रोके हैं और हमने वही मांग करी है इनसे, कई दो साल हो गए बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आज रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं परसों आ जाएगा, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ गलतियां तो छात्रों द्वारा होती हैं और कुछ गलतियां यूनिवर्सिटी द्वारा होती हैं, क्योंकि जो दो तीन केस हैं इसमें मेन ये है कि इनका एक गैप ईयर है और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो CBCS सिस्टम है, जिसमें स्किल मेन कोर्स और जनरल इलेक्टिव के कोर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही होते हैं, और ये क्योंकि इनका गैप ईयर था तो ऑनलाइन इनके फॉर्म नहीं आते, जिस कारण इनके रिजल्ट आने में लेट ही होते। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूली छात्रा छात्राओं को SDRF के जवानों द्वारा आपदा से बचने के गुर सिखाए, स्कूली बच्चों को बताया गया कि आपदा में किस प्रकार से निपटना चाहिए। ये बेसिकली हमारा SDRF का जन जागरूकता का एक कार्यक्रम चलता है, जिसमें स्कूली बच्चों को और जो वहाँ के नागरिक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको जो भी डिज़ास्टर है उसके बारे में उनको जानकारियाँ देते हैं कि कैसे अपना बचाव करना है, अपना बचाव करने के बाद जो घायल हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनकी कैसे आपने हेल्प करनी है, तो उसके संबंध में ये जानकारियाँ देते हैं। ये रोटरी इंटरनेशनल की मसूरी जीव शाखा है, उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और स्कूल के बच्चों के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स, जो हमारा स्पेशल जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उस फोर्स ने आकर जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना में शामिल सभी दोषियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज कांग्रेसियों ने राजभवन में दस्तक दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर में घटना हुई, उस घटना से पूरे देश के किसान आहत हैं, जनता आहत है, परेशान है। मांग ये की गई कि जितने भी उसमें संलिप्त है, बेटा भी है और दूसरे लोग बहुत बड़ा ग्रुप उसमें है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाए, उन्हें कानून के शिकंजे में लेकर कार्रवाई की जाए। दूसरा उससे बड़ी बात यह है कि वो उसके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उस केंद्रीय गृह मंत्री मिश्रा जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से उनको हटा दिया जाना चाहिए। एक अच्छा संदेश देश में जाएगा, अन्यथा यह वो अपराधियों के जब मंत्री के घर में अपराधी बैठे तो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का कैसे समाधान केंद्र सरकार कर पाएगी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल जारी है, इसी क्रम में आज पुष्कर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। संजीव आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा भेजा है, वहीं मंत्री के रूप में भी यशपाल आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरे घर वापसी हो रही है। हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है, हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।